हेलो फ्रेंड्स, आपको स्वागत है रेगना वन में। गाइस सुनो गाइस, मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए दो न्यूज़ लेके आ गया हूँ। हाँ गाइस, मैंने सोचा इसकी ज़्यादा बड़ी बड़ी न्यूज़ नहीं है तो इसको दो वीडियो में कंबाइंड करके आपको बताया जाए। तो ये सबसे पहले जो न्यूज़ है वो है गाइस सैमसंग की तरफ से। भाई जो सैमसंग गैलेक्सी M30 है उसकी पूरी जो स्पेसिफिकेशन है एकदम कन्फर्म्ड स्पेसिफिकेशन लीक आउट होके आ गई, तो इस वीडियो में वो भी बात करेंगे। और जो सेकेंड न्यूज़ है वो है रेडमी नोट 7 का लॉन्च डेट। भाई इंडियन लोग इतना मतलब भाई अपना पैसा, इसी वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं। तो देखिए पूरा वीडियो, जल्दी से वीडियो लाइक कर दीजिए और चैनल के लिए सब्सक्राइब तक आपने नहीं किया, और मुझे बताइए कमेंट करके कि आपको कंबाइंड न्यूज़ पसंद है कि नहीं, तो मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम बात कर लेते हैं भाई आप लोगों का मतलब रेडमी नोट 7 के बारे में। हाँ गाइज यार, इतने लोग वेट कर रहे हैं कब ये इंडिया के अंदर लॉन्च होगा, कब इंडिया के अंदर लॉन्च होगा। भाई बता दो, हम आपको ये दे देंगे वो दे देंगे, हम बहुत वेट कर रहे हैं। तो ये चलो मैं आपको इसकी लॉन्च डेट बता ही देता हूँ। ये जो है ये आपको 28 फरवरी को इंडिया के अंदर देखने मिलने वाला है, जो भैया बहुत पास है, इतनी दूर नहीं बची है। तो अपना पैसा बचा के रखो, पैसा वेस्ट मत करो और 28 फरवरी का वेट करो। सेल तो वैसे मार्च में ही होगी, बट 28 तारीख को इंडिया के अंदर अनाउंस हो जाएगा। भाई प्राइस की मैं बात करता हूँ तो ये आपको 10-11 हज़ार रुपये स्टार्ट होगा और 15 हज़ार तक आपको जाएगा। 3 GB RAM 32 GB आएगा, 4 GB RAM 64 GB आएगा और 6 GB RAM और शायद से 64 GB आ जाए। भाई अभी ये कंफर्मेशन नहीं है भाइयों कि यार क्या इसमें रेडमी नोट 7 प्रो भी आने वाला है, क्योंकि अभी तक चाइना में लॉन्च नहीं हुआ है। तो लेट्स सी कि क्या होता है, क्योंकि पिछले बार नोट 5 प्रो आ गया था मगर वहाँ नहीं आया था। देखते हैं इस बार भी शायद से शाओमी ऐसा कर सकता है। तो देखिएगा पूरा, उस दिन मैं आप लोगों को ज़रूर बता दूंगा। चलिए अभी हम बात करते हैं अपने सैमसंग गैलेक्सी के बारे में। सैमसंग का गैलेक्सी M30 के जो सब पूरी लीक्स आ गई एकदम कंफर्म लीक्स। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ यहाँ पे इसके 6.4 मतलब डिस्प्ले के बारे में। तो यहाँ पे हमें 6.4 इंच का एक फुल HD प्लस का डिस्प्ले मिलेगा, AMOLED डिस्प्ले मिलेगा, जो आई थिंक डेफिनेटली बहुत ही अच्छी बात की है यहाँ पे सैमसंग ने। एक्जिनस का वही 7904 का वही प्रोसेसर देखने मिलेगा, तो ये मेरे हिसाब से बिल्कुल भी मतलब वैल्यू प्रोवाइड नहीं करेगा, बहुत फालतू मुझे बात लगी है। गाइस बात करता हूँ कैमरा इसके बारे में। तो गाइस यहाँ पे ट्रिपल कैमरा का देखने मिलेगा, 13 MP का प्राइमरी लेंस मिलेगा, उसके साथ 5 MP का वाइड एंगल लेंस मिलेगा, उसके साथ 5 MP का डेप्थ सेंसिंग कैमरा मिलेगा जो F2.4 एपर्चर के साथ आएगा। तो ये तीन आपको कैमरा देखने मिलने वाले हैं। एंड गाइस बात कर दो फ्रंट कैमरा के बारे में, तो 16 MP का आप लोगों को फ्रंट कैमरा देखने मिलेगा। 5000 mAh की बैटरी मिलेगी, क्विक चार्ज के साथ आएगा 3.0 के साथ। ये तो हमें उसमें भी मिला था M20 में, तो इसमें भी आपको मिलने वाला है। ओवरऑल ये फ़ोन बहुत अच्छा है, बट यार मुझे जो वो प्राइस में और एक्सिनस का प्रोसेसर बिल्कुल पसंद नहीं आया। एंड प्राइस की मैंने बात करता हूँ तो ये 18 हज़ार रुपये के साथ चालू होगा। लॉन्च डेट की मैंने बात करते हैं इसके इंडिया के बारे में, तो भाई बोला जा रहा है कि ये आपको फरवरी में नहीं मिलने वाला है, अभी आपको देखने मिलेगा मार्च में। तो यार वेट करना पड़ेगा ही आप सब लोगों को। और यार यही था आज का वीडियो, और छोटी छोटी न्यूज़ तो इसलिए मैंने बोला कंबाइन करके इसको बना दिया जाए, एक टेक न्यूज़ नहीं बोल सकते, बट हाँ दो हम मैंने इसको न्यूज़ करके साथ में डाल दिया। तो आप बताओ कमेंट करके कि यार आप लोगों को रेडमी नोट 7 का इंडिया लॉन्च क्या मतलब कैसा लग रहा है, क्या आप लोग एक्साइटेड हो? और बताओ सैमसंग गैलेक्सी के M30 को मत परचेज़ करना, बहुत सारे लोग वेट करना चाह रहे थे मगर मत वेट करिए, उसका नोट 7 प्रो का वेट कर सकते हैं, इसका वेट ना करिएगा। तो गाइस बस वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को लेना सब्सक्राइबर अभी तक आपने नहीं किया है, क्योंकि मैं ऐसे आप लोगों को कुछ ना कुछ नए डेली वीडियोस लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं आप लोगों को अपने नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।